जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कई राज्यों में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इस पे क्या कुछ अपडेट्स हैं, इसके लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, और जहां पे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी वरुण नायक। वरुण, क्या कुछ अपडेट है? जी सिमरन, अभी एक खास और देखा जाए तो गुजरात और हिमाचल का जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो चुका है। जी, जैसे गुजरात के 182 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी 155 सीटों में अपना बढ़त बनाकर रखी हुई है, और कांग्रेस सिर्फ अभी 18 में वो अपना मौजूदा अपना हालत बताया जा रहा है। जी, और अपने जगह पर अगर आपकी बात करें तो आप अभी 7 सीटों में अपनी जगह को बरकरार रखा है, और अन्य जो है वो 2 सीटों पर चल रहे हैं। उसी प्रकार हिमाचल में 68 सीटों में देखा जाए तो बीजेपी ने अभी तक 29 सीटों में अपनी बढ़त हासिल करके रखी हुई है। और बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपने 34 सीटों को लेकर अभी वो अपने आप को बनाया हुआ जगह, और आपका भी वहाँ कोई खाता खोलने का कोई रुझान नहीं है, लेकिन अन्य लोग जो है वो 5 सीटों में आगे बढ़त बनाकर चल रहे हैं। और अभी से गुजरात में देखा जाए तो बीजेपी ने अपना जश्न मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद है कि जैसे पहले लोगों ने बताया था, राजनाथ सिंह ने बताया था कि मुझे विश्वास है कि गुजरात में अच्छी जीत हासिल करेंगे। इन सबों को बात में देखते हुए गुजरात में अपने जीत को देखते हुए जश्न का माहौल बनाकर रखा हुआ है। जी तरुण जी, वैसे भी देखा जाए तो जो गुजरात है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो वहां पे पहले से ही अगर वो लोग जीत का जश्न मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके वो काफी श्योर है कि जीत आखिर बीजेपी की ही होगी। जी तरुण। हाँ, बीजेपी अपने आपको बड़ा विश्वास जताकर पहले से रखे हुए थे कि वह बीजेपी जीतेगी जीतेगी का, क्या इसलिए मजूरा से देखा जाए तो बीजेपी आगे है, गुजरात के हर सीट में देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, और मौजूदा हालत में लग रहा है कि ये वहाँ पर इनका रुझान को देखते हुए लग रहा है कि एकदम बीजेपी की जीत इस बार हासिल है, और निश्चित तौर पर वो बीजेपी जीत का अपने तौर पर बढ़ा के चलेगी। जी तरुण, हर राज्य में अगर देखा जाए, चाहे वो बात उपचुनाव की करे या फिर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं हर पार्टी किसी पे भारी पड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस, कहीं पे कांग्रेस तो कहीं पे बीजेपी, तो आपने अभी तक खाता ही नहीं खोला है। तरुण, हम बात करेंगे कुढ़नी चुनाव को लेकर, तो वहां के लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं तरुण? हाँ, कुढ़नी में तो अभी 5वें राउंड में भी देखा जाए तो बीजेपी आगे चल रही है, वहाँ भी लगता है अपने निश्चितता को जो है बीजेपी ने बरकरार रखा है, और जाहिर सी बात है कि जब पहले से उन लोगों ने जिस तरह की तैयारी करके रखी थी कि बीजेपी के जीत को हासिल करने के लिए, तो वहाँ भी देखा जाए तो बिहार में कुढ़नी में भी अच्छा सीट लाने की उनके आशंका है। 5वें राउंड में भी देखा जाए तो वो आगे ही चल रही है। जी तरुण, आप तमाम जानकारियों पे, अपनी अपडेट्स पे नजर बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।